मेरा 2009 में एसटी हुआ, फर्स्ट एसटी वो लाइक हैदराबाद में हुआ था और वो ऑपरेशन था एक जो कि सुबह स्टार्ट हुआ था और फिर जो है शाम तक चला। और मैं इतना एक्साइटेड था कि भाई एसटी हो रहा है, नए जो है वो बाल लगेंगे, नई जो है लुक मिलेगी फेस को। लेकिन हुआ कुछ और मेरे साथ। उसके अगले जो है वो 30 दिन तक मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरे सिर के पीछे एक ऐसा स्कार था जिससे ना मैं सीधा, ना मैं साइड से, ना इधर से, कहीं से मुझे नींद नहीं आती थी लेट के। और हर टाइम खून निकलता रहता था मेरे पीछे से। और आगे जो एसटी हुआ था उसमें से डॉक्टर ने मुझे वो कल बोला था कि 4000 बाल लगाएं आपके, लेकिन मेरे ख्याल से 400 बाल ही लगे थे वो अल्टीमेटली जो जिंदा रहे। और फिर एक ऐसा जो है डर बैठ गया दिल में कि क्या मतलब हम लोग जो है वो इतना क्लेम करते हैं, साइंस हमारी इतनी आगे बढ़ गई, हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में तो हो ही नहीं रहा ना कुछ भी। और 2009 के बाद 2019 में फाइनली मैं जो है वो मुंबई में मेरा फिर से एसटी हुआ। मुंबई में हुआ था मेरा एसटी जनवरी 9 को और उसके 5 से 6 मंथ्स के इंटरवल पे इतने अच्छे बाल आ गए मेरे, इतने अच्छे बाल आ गए कि मेरे अपने लोग को हैरानी हुई कि मैं वो ही हूँ। और मैं तो आज तक जो है वो शीशे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतने अच्छे बाल तो मेरे जो है वो ओरिजिनली भी नहीं थे। और लोगों का तो ये भी बोलना है कि मेरी उम्र जो है वो कम हो गई है, कोई जो है वो 6 साल बोलता है, कोई 8 साल बोलता है। माँ का तो ये बोलना है कि बेटा तू तो जो है वो 20 साल का हो गया। अब ऐसा होता है, माँ की आंख तो माँ की होती है, लेकिन जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर वो इतना अमेजिंग आया बाल लगने के बाद कि मुझे तो लगता है कि साइंस तो है ही नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक आर्ट है सर के पास जो है, ये एक आर्ट है। जैसे कोई पेंटिंग बनाता है ना, ऐसे वो बाल लगा दिए उन्होंने, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। आई वाज सो हैप्पी, सो इम्प्रेस्ड बाय सर कि और इन्होंने तो हजारियों के कर दिए हैं अब तक। सो अब उस टाइम तो शायद इनके पास थोड़ा बहुत होता भी था टाइम, अब तो इनके पास टाइम ही नहीं है। अब तो ये इतने बिजी हो चुके हैं कि अगर आपको इनका अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सो आई विश कि इंडिया में कुछ लोग और भी ऐसे हो जाएं, वो तो बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के लिए।